Good morning, class 6. Today we are starting our chapter number 1 of social and political life with the topic diversity, right? Dekhiye students, difference in opinions, choices, practices and appearance is called diversity. Iska matlab kisi ki opinion mein, choice mein ya fir jo bhi wo follow karta hai वो प्रैक्टिस और अपीयरेंस मतलब दिखने में जो डिफरेंस रहता है असमानता रहती है वही डाइवर्सिटी कहलाती है. नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल. तो डाइवर्सिटी, हैव यू एवर इमेजिन, क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि हमारी सोसाइटी वुड लुक इफ एवरीबडी लुक द सेम. हमारी सोसाइटी कैसे होगी अगर सभी लोग एक जैसे दिखें, सेम कलर के कपड़े पहने, सेम टाइप के कपड़े पहने, सेम लैंग्वेज हो और सेम ही फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करें, तो वो बहुत बोरिंग हो जाएगा, है ना. इफ़ वी सी द सेम थिंग्स एवरी डे, अगर हम सेम थिंग्स को हर रोज़ देखें तो वो हमारे लिए बोरिंग हो जाएगा. हमारी सोसाइटी में डिफरेंट पीपल्स, कल्चर्स, रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस हैं. वी आर ऑल डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस, ऐसे ही हम दिखने में हमारे एक दूसरे के लिए जो ओपिनियंस हैं, हमारे विचार हैं या फिर हमारे बिलीव्स हैं, हमारे विश्वास हैं, वो सब अलग अलग हैं. हम लोग डिफरेंट रिलीजन्स के भी हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं. द स्टेट ऑफ बींग डिफरेंट फ्राम वन अनदर, और एक दूसरे से अलग होना, यही डाइवर्सिटी है. नेक्स्ट देखिए, हाउएवर वी मस्ट नॉट कन्फ्यूज डाइवर्सिटी विद इनइक्वालिटी, लेकिन आपको डाइवर्सिटी को इनइक्वालिटी मतलब असमानता, डाइवर्सिटी विविधता एंड इनइक्वालिटी असमानता से कन्फ्यूज नहीं करना है. वाइल डाइवर्सिटी रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बींग डिफरेंट, डाइवर्सिटी जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होने को स्टेट करती है, वहीं इनइक्वालिटी स्टेट ऑफ बींग अनइक्वल, एक दूसरे के समान ना होना उसको डिनोट करती है. इनइक्वालिटी इमर्जेस आउट ऑफ अ लैक ऑफ रिसोर्सेज, इनइक्वालिटी कहाँ से आती है, लैक ऑफ रिसोर्सेज मतलब किसी के पास संसाधनों की कमी है और अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है जो दूसरों को अवेलेबल हैं लेकिन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या सोसाइटी एक पर्टिकुलर ग्रुप को अवेलेबल नहीं है. फॉर इंस्टेंस इन इंडिया इनइक्वालिटी इमर्ज आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम, जैसे भारत में इनइक्वालिटी कहाँ से इमर्ज हुई है, कास्ट सिस्टम की वजह से. कास्ट सिस्टम ने सोसाइटी को डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया. इट ऑल्सो डिक्टेटेड द प्रोफेशन, और कास्ट के अकॉर्डिंग ही प्रोफेशंस को उन्होंने बांटा है. दैट द मेंबर्स ऑफ दीज ग्रुप्स कुड प्रैक्टिस, और ये लोग सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग एक पर्टिकुलर काम ही करेंगे, है ना. द इरिवर्सिबल नेचर ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम को चेंज ना कर पाना, इसकी वजह से ये इंश्योर हो गया कि एक हायर कास्ट का जो पर्सन है वो इन्जॉय करेगा बहुत सारी प्रिविलेजेस को, मतलब दूसरों से ज़्यादा उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होंगी, लेकिन जो लोअर कास्ट के पीपल हैं उनको उनके राइट्स से उनको राइट्स नहीं दिए जाते हैं. इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स इनइक्वालिटी ऑल्सो इमर्जेस आउट ऑफ इकोनॉमिक डिफरेंसेस रिच एंड द पुअर, और लंबे समय में इनइक्वालिटी किसकी वजह से भी इमर्ज हुई है, रिच और पुअर होने की वजह से भी ये इमर्ज हुई है. कॉजेज ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के कॉजेज क्या हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑक्यूपेशनल डिफरेंसेस, लैंग्वेज, रिलीजन, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल, ये सारे फैक्टर्स हैं जो डाइवर्सिटी के कॉजेज हैं. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हिस्ट्री. हिस्ट्री, पीपल अराउंड द वर्ल्ड ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. पीपल जो हैं पूरे विश्व भर में जो लोग हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ को ट्रेवल करते थे नई जगहों को तलाशने के लिए, जॉब्स तलाशने के लिए या फिर व्यापार में अपने नए पार्टनर्स को तलाशने के लिए. और उनमें से कुछ क्या हुआ, वो सेटल्ड भी हो गए दूसरी कंट्रीज़ में जाके, और वहाँ पर उन्होंने नए कस्टम्स या कल्चर्स को, रीति रिवाज उन्होंने वहाँ पर जब अपने प्रैक्टिस किए तो उसकी वजह से नए रीति रिवाज उस कंट्री के अंदर आ गए. जो वहाँ पर लोग रहते थे उनके बीच में ये
नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई, लेकिन वेन न्यू कस्टम्स एंड प्रिवेलिंग कल्चर ऑफ द नेटिव्स अमलगमेटेड मतलब एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, डाइवर्स सोशल प्रैक्टिसेस वर इंट्रोड्यूस, और इस तरीके से एक अलग प्रकार की सोसाइटी में प्रैक्टिसेस आ गई। फॉर एग्जांपल व्हेन द मुस्लिम रूलर्स केम, जैसे कि मुस्लिम रूलर्स जब आए भारत के अंदर तो वो यहाँ पर बस गए, और यहाँ पर उन्होंने दे ब्रॉट विद देम, यहाँ पर वो लोग पर्शियन लैंग्वेज अपने साथ लेकर आए, एंड पर्शियन मर्ज्ड विद द लोकल लैंग्वेज, और जब पर्शियन लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज के साथ मिक्स हो गई तो उसकी वजह से एक नई लैंग्वेज बन गई विच इज़ कॉल्ड उर्दू, राइट। नेक्स्ट ज्योग्राफी, द अर्थ कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, अर्थ में मतलब हमारी धरती पर बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे माउंटेन्स, डेजर्ट्स, फर्टाइल प्लेन्स, प्लेट्यूज, कोस्टल एरियाज एंड आइलैंड्स, है ना। तो ये सारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी मतलब ये जो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, उसकी वजह से क्लाइमेट किसी भी रीजन का चेंज हो जाता है, और इसकी वजह से फूड हैबिट्स, ड्रेस, कस्टम एंड कल्चर ऑफ पीपल भी चेंज होता है। फॉर एग्जांपल कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं वो सी फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, वाइल पीपल लिविंग इन डेजर्ट्स, जो डेजर्ट्स की तरफ लोग रहते हैं वो लोग ब्रेड्स मेड ऑफ मिलेट मतलब बाजरा, तो बाजरे की रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। सिमिलरली इन साउथ इंडिया पीपल जो हैं वो लाइट कॉटन क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं थ्रू आउट द ईयर, वाइल नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं वो अकॉर्डिंग टू सीजन डिफरेंट क्लॉथ पहनते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्यूपेशनल डिफरेंसेस, ऑल ऑफ अस फॉलो अ वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस, हमारे ऑक्यूपेशंस डिफरेंट हैं, तो जो ऑक्यूपेशंस हैं वो भी ज्योग्राफिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पीपल कोस्टल रीजन में रहते हैं मतलब समुद्री एरिया के पास रहते हैं, तटों के पास रहते हैं, वो लोग फिशिंग ज़्यादा करते हैं, वहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग का है, वाइल जो पीपल फर्टाइल प्लेन्स पे रहते हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर लोग ज़्यादा करते हैं मतलब खेती ज़्यादा करते हैं। लैंग्वेज अनदर फैक्टर, और दूसरा एक और फैक्टर जो डाइवर्सिटी को लीड करता है वो है लैंग्वेज, पीपल इन इंडिया स्पीक मोर देन 1600 लैंग्वेजेस, भारत में 1600 ज़्यादा भाषाएं बोले जाती हैं और उनकी उपभाषाएं भी बहुत सारी हैं, ऑफ दीज 22 लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसमें से 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज की हैं, और हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इंग्लिश आर रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेजेस, और ऑफिशियल लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश हैं, यहाँ पे इंडियन यूनियन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ठीक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो दो मेन ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो हैं हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इंग्लिश। नेक्स्ट वन इज रिलीजियन, पीपल अराउंड द वर्ल्ड फॉलो डिफरेंट रिलीजियंस, पूरे संसार में लोग डिफरेंट रिलीजियंस को फॉलो करते हैं विच मेक वे फॉर रिलीजियस डाइवर्सिटी, और इसकी वजह से धार्मिक विविधता जन्म लेती है। इन इंडिया भारत में ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज़ एंजॉय इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी, और भारत में सभी धर्मों की कम्युनिटीज़ को इक्वल स्टेटस गिवन है, और पीपल जो डिफरेंट रिलीजियंस को फॉलो करते हैं वो फ्री हैं अपनी अकॉर्डिंग अपने रीति रिवाजों को फॉलो करने के लिए, किसी के ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं है, जो जैसे रहना चाहता है अपने धर्म को जैसे निभाना चाहता है वो वैसे ही रहता है। पीपल फॉलोइंग हिंदुज्म, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड अदर रिलीजन्स लिव हियर इन पीस एंड हार्मनी, और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियंस, बुद्धिज्म, जैन सभी लोग एक दूसरे के साथ शांति और एकता के साथ रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय।